क्या सही किया क्या? आपने तो सीधा सीधा पंगा ले लिया, आफत गले पड़ेगी तो। मतलब इतने सारे लोगों को गलतफहमी नहीं हो सकती। बात तो सही है, इतने सालों से रोज सुबह उठकर तुम्हारा थोबड़ा हम देख रहे हैं, आज तक कुछ गड़बड़ हुआ? माँ अब हमारे मुंह से हम क्या ही बोले। पहल टुडे बिलोटे, हमको संतोष जी का बहुत ही आदर है। हाँ माँ। संभाल के प्रसाद लो। बेताब हो रहा है संतोष जी को मिलने के लिए, तुम उसी दिन मिलोगे जब तुम ऊपर जाओगे। यार पुष्पा जी हम लोग ही रौनक हुआ, केस तो ले लिए, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कितना बड़ा अनलकी है वो, क्या करेंगे अब, वो तो इससे भी बड़ा अनलकी है। सच कहे तो चीते, जब भी बिल्ली हमारा रास्ता काटती है ना, हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बताए तुमको, मेरा भी ऐसा ही रास्ता काटा था, मैंने उसको ही काट दिया। अरे तुम बिल्ली काट दिया, मुर्गी को काट दिया। करिश्मा जी की ना बात हमें समझ में नहीं आ रही, एक तो जहर कितना घातक है ये देखने के लिए जहर को चाटना जरूरी है क्या? और अगर चाटना है तो खुद चाटे, हमसे क्यों चटवा रही है वो? ये तो ऐसा हो गया कि आओ बहू मुझे मार। रौनक लाल जी आइए। रौनक रौनक हुआ, आइए आपको गर्मा गर्म जहर मतलब चाय पिलाते हैं। यहाँ पे बदनाम चाय लाओ। ये लाए मैडम। हाँ ऐसा क्यों कर रही हैं आप मैडम, क्यों सुबह सुबह मेरी शक्ल देखकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहती हैं? क्यों खतरा मोल ले रही हैं आप? ये देख रही हैं आप ये इन लोगों को? हमारी तरफ देखने से डर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगने लगा है आप तो, कि ये सोसाइटी वाले जो मेरे बारे में सोच रहे हैं ये सब सही है। मैं हूँ ही अनलकी, जो भी मेरा चेहरा देखेगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना ही पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए सबसे पहले तो आप अपने बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो फिर आप कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा बोले? दूसरी बात, ये दकियानूसी जो सोच और ये जो चोचले है ना, इनमें हम विश्वास नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। लेकिन मैडम ये पुष्पा जी इधर मुड़िए सब। नहीं नहीं बोलिए ना आप, हम सुन रहे। एक काम कीजिए पुष्पा जी, हमें जामुन मोहल्ले की जुलूस वाला फाइल दीजिए। अभी चाहिए आपको? अभी इसी वक्त तुरंत। अभी देखो ठीक कर देते हैं सबको। ये लीजिए। किसको दे रही हैं? किस आपको? सब लोग यहाँ घूमिए। नहीं नहीं हम सुन रहे हैं ना, बोलिए ना। तीन तक गिनेंगे, सिर्फ तीन तक गिनेंगे। अगर आप लोग यहाँ नहीं मुड़े तो ऐसा घुमा कर ट्रांसफर ऑर्डर मारेंगे ना कि रेगिस्तान के किसी सूखे थाने में जाकर गिरेंगे सब की सब, और तुम्हारा बिल्लू निवास भी वहीं होगा। तीन तीन तीन। मैडम मैडम इंसाफी है, 0, 1 और 2 कहाँ चला गया मैडम? माँ मुझे शाम की पूजा की तैयारी करनी है, मैं हार फूल लेके आता हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हो तुम? माँ मुझे जाने दो। नहीं जाने दे। जाने दो माँ। नहीं जाने, जाने दे। माँ गुलगप्पे वाला। हाँ कहाँ? नालायक। अरे हम तो भूल ही गए प्रसाद में क्या देना है, ये तो हमने बताया नहीं बिल्लू को खाने के लिए, है ना? हम अभी आ अभी आ हमको हवन कराने। बदनाम जीते। हाँ मैडम। हाथ उठाओ। ना मैडम। ठीक है ना मैडम। तो बाहर जो नेता की भैंस है उसको ख्याल तुम रखोगे, तुम्हारा नाइट ड्यूटी है। हाँ मैडम। क्या मैडम? यही तुम्हारा सजा है चीते। चीते उठना, मुझे ना अभी खबर मिली है करिश्मा मैडम है ना बीमार है बहुत, उनको स्लीप पर्सनैलिटी हो गई है। करिश्मा मैडम से ज्यादा बीमार हम, हमारा दिमाग खराब हो गया तो इतना मारेंगे ना बाबू, छोड़ेंगे नहीं तुमको, सांस निकाल के दम लेंगे। छोड़ना यार सुन। बस 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 ऐसी ही बीमारी है उनको स्लीप पर्सनैलिटी, मतलब कभी कभी एकदम गरीब गाय जैसे बिहेव करती है और कभी कभी एकदम सांड भौकाल की तरह बिहेव करती है। अभी ये पिंकी की रखवाली करने के लिए करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को बोलना चाहिए ना, और मैडम सर ने करिश्मा मैडम को बोला, और करिश्मा मैडम ने किसको बोला? हमको दे दे कोई भैंस का, भैंस का रखवाली कर। सुन दे हमको, सुन दे यार बहुत प्रेशर में है। हे चीते। जैन मैडम सर। जैन मैडम, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, जैन मैडम सर। नाके पर से राउंड मार के चले हैं, हेडक्वार्टर से फाइल लेते हैं, भैंस को नहलाकर खिलाकर पिलाकर दूध निकालकर गोबर वा निकालकर सब कुछ मिलाता, दूध बेच रहा है, सब कुछ एकदम सही से चल रहा है मैडम, सब कुछ ठीक है मैडम। निकलने मजाक किया।
नरभक्षी राक्षस, किस दिन चढ़ गया ना दिमाग पर हमारे, यही भैंस के सामने चारा बना के डाल देंगे तुमको। पिंकी है वो। मजाक किया, सुन देना यार। स्लीप पर्सनैलिटी चेक। बिल्लू मैडम सर, जय हिंद। जय हिंद, उठो, ये दूध निकाल कर दो हमें। मैडम सर, मैडम सर, मैडम, बिलोटे, एक बार तुम्हारा झांसा में आ गए, हम दोबारा नहीं आएंगे। कोई मैडम सर वगैरह नहीं आई है, नहीं डरते हम, मुझे सुनने हमको। हट बोला। चलो दूध निकाल कर दो। दूध? हमारी अम्मी जो है ये भैंस का दूध टेस्ट करना चाहती है। वो उनका कहना है कि अगर ये पसंद आ गया तो फिर यही दूध मंगाएंगे और वो पैकेट का दूध बंद कर देंगे। लेकिन ये पिंकी तो 3 दिन के लिए ही है। तो और भैंसे नहीं है लखनऊ में, तुम दूध दो। ठीक है, चलो गुड नाइट। नजर रखना पिंकी जी। ए, लाइट कैसे चली गई? लाइट आगे आगे देखो कैसे सो। पिंकी 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 चिते निटले निटले, पिंकी अपनी जगह पे नहीं है, लगता है चोरी होगी। का एक मिनट, अरे यार कहाँ गई? इधर तो बंदी थी। का लगता है चोरी होगी पिलोटे। चीते ये रौनक आज फिर आया है। कल आया था तो भैंस चोरी हो गई, आज आया है तो नेताजी की कुर्सी चोरी हो जाएगी। देख देख क्या कर रहा है रौनक। नहीं नहीं यार, तुम देखो माई। आपसे तो बाद में निपटेंगे हम पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। चीते बाहर हमने देखा भैंस नहीं है, भैंस कहाँ है? भैंस कहाँ है? बोल ना रे, बोल बोल किधर है भैंस, बोल। जो ड्यूटी पे था वो बोलेगा ना। चरने गई है। चरने नहीं गई है मैडम, चोरी हो गई है। क्या? भैंस चोरी हो गई है? कैसे, कब, क्यों? जैन मैडम सर, जैन जैन मैडम, जैन मैडम सर। मैडम सर कल रात में जब आप आई थी ना दूध लेने, उसके 4-5 मिनट बाद से ना लाइट चली गई, हर तरफ अंधेरा हो गया। और जब लाइट आई ना तो बुफ, भैंसिया गायब थी मैडम, हर तरफ ढूंढे उसको कहीं नहीं मिली मैडम। यार लेकिन अरे आप लोग इस तरह से हाथ लगाकर क्यों बात कर रहे हैं? वो मैडम सर हमारा सर जो है ना वो दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, आप लोग ऐसा काम होने कैसे दे सकते हैं? आप जानते भी हैं कितना बड़ा बवाल हो चुका है। नेताजी अभी इस बात को पर्सनली लेंगे और उनके गुस्से की गाज गिरेगी इस थाने पर। हम सबकी नौकरियां तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ में वो इस थाने को परमानेंटली बंद करवा देंगे। करिश्मा सिंह, हमने एक जिम्मेदारी दी थी आपको, वो भी आप ठीक से नहीं निभा पाए। देखिए मैडम सर, वो कोई कोहिनूर का हीरा तो है नहीं जो हम सशस्त्र होके उसकी निगरानी करते पूरी रात भर बैठकर। एक भैंस थी, उस पर नजर रखना था तो हमने चीते का ड्यूटी लगा दिया। अब उसने ड्यूटी नहीं किया मैडम सर, तो आप हमें काय कह रहे हैं कुछ? सच में मैडम सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरी बुरी किस्मत की है। मैं जहां भी जाता हूँ वहीं पर आफत आ जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब देखिए ना, ये सुबह सुबह करिश्मा मैडम ने मेरी शक्ल देख ली और आपकी पुलिस स्टेशन पर ये आफत आ गई, ये मुसीबत आ गई। अब और कितना प्रमाण चाहिए आपको ये बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा बदकिस्मत इंसान? ना ना, प्रमाणित तो हो चुका है, आप हैं चचा। चुप रहिए चीता चतुर्वेदी। सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए आपकी इसमें कोई गलती। डीएसपी सर, जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, हमने आपको इसलिए फोन किया था कि आज शाम को नेताजी अपनी प्रिय भैंस का हाल चाल जानने के लिए आपके थाने पहुंच रहे हैं। चलिए, जय हिंद। जय हिंद सर। नेताजी आज शाम को पिंकी से मिलने आ रहे हैं। मैडम सर, बाहर हर जगह देखे, हर किसी से पूछे, लेकिन किसी को भी पिंकिया के बारे में नहीं पता। कैसे मिलेगी? रात काली भैंस, काली करतूत, काली, ऊपर से उस चोर ने काली चादर ओढ़ी होगी और ऊपर से थाने में लाइट भी तो नहीं थी, क्या खाक दिखेगा कुछ? करिश्मा सिंह जी, आपने कहा था कि ये बहुत छोटा मोटा केस है, आप अकेले हैंडल कर लेंगे।
तो फिर जब जिम्मेदारी एसआई की थी तो थाने की प्रमाइसिस में से भैंस चोरी हुई तो हुई कैसे? सवाल तो बहुत सारे उठते हैं मैडम सर। सवाल तो ये भी उठता है कि आप रात को यहाँ काहे आई थी, क्योंकि आपके आने के बाद ही जो है भैंस चोरी हो गई। अब या तो एक ये संजोग हो सकता है या फिर आप हमें सबक सिखाना चाहती हो और आपका कोई ये नया नुस्खा है। आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहिए। आप सब समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने ये भैंस की जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर दिया था, इस केस को छोटा मोटा बोल दिया था, तो आपको ये बात अभी लग चुका है। अब आप हमें ये सबक सिखाना चाहती हैं कि जिस केस को हम छोटा मोटा बोल रहे थे वो छोटा मोटा नहीं है और देखो कितना बड़ा बवाल हो गया उसका, यही बात है ना? करिश्मा सिंह, हौसला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हौसले पर अकलमंदी का अंकुश ना हो तो वही हौसला जी का जंजाल बन जाता है। आप जो कह रही हैं वो हौसला है, जिससे कह रही हैं वो नादानी है। आपका शक बेबुनियाद है। और आप करिश्मा जी, थोड़ा तो जबान संभाल के बात कीजिए ना। आपके कहने का मतलब ये है कि मैडम सर ने भैंस चुराई है? हो सकता है मैडम सर भैंस चोर हो। देखिए, हम सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इस जड़ की तह तक जा रहे हैं, इसलिए हमारा पूछना बनता है मैडम सर आप रात को यहाँ पे काहे आई थी। हमने बताया था हमारी अम्मी को भैंस का दूध ट्राई करना था ताकि हम उसको अपने पैकेट वाले दूध से रिप्लेस कर सकें। बहुत ही सही कहा आपने, मतलब इतनी रात को ही आपको ये जो है भैंस का दूध लेने आना था। करिश्मा सिंह, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रही हैं, अगर इसे सही डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा मुफीद होगा। मुफीद क्या होता है? उर्दू है। मैंने कब कहा फ्रेंच है, मतलब क्या है बताओ? अरे होता है कुछ, बताते बाद में। पता नहीं है ना, मगर मुद्दा तो ये है ना कि ये भैंस चुराई किसने? Excuse me, I am Bill the spy. I need to talk about you. ये जो one politician party and two another opposition party. One politician party of thing, नजर opposition party. So that's why opposition party ने ही ये कांड किया होगा, भैंस की चोरी की होगी. That's why this is my prediction. इसमें opposition party की involvement की possibility तो है. Yeah. करिश्मा सिंह, आप चाहे तो आप इस एंगल को एक्सप्लोर कर सकती हैं, हमें रौनक लाल के मामले को हैंडल करना है। जी मैडम सर। जैसे भी हो, जो भी हो, आपको जो कुछ भी करना पड़े, आज शाम तक वो भैंस वापस आनी चाहिए, वरना नतीजा क्या होगा आप सब अच्छे से जानते हैं। क्लियर? जी मैडम सर। रौनक लाल जी, आइए अंदर। चोर ने जानबूझकर पहले थाने का लाइट काटा और फिर इस काम को अंजाम दिया ताकि उसका काम जो है वो और भी आसान हो जाए। चीते तुम आओ हमारे साथ। मैडम निठल्ला नहीं आ रहे। नहीं निठल्ला, बस ना, चुप ना, आगे मैडम। हमको लगता नहीं ये सारा मैडम सर का किया धरा है ना। एक बार बताओ, हमारे थाने से कोई भैंस चुरा के कैसे लेके जा सकता है, वो भी जब तुम ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, ये बात है। चीते, हाँ? यहाँ देख रहे हो? हाँ। इस पे धूल चढ़ा हुआ है, इस पे धूल चढ़ा हुआ है, पर इस पे धूल नहीं है। सही बोल रही है मैडम, एकदम सही बोल। कौन साफ करता है इसको? तीनों साफ करना चाहिए। किसका जिम्मेदारी है मैडम? अभी तुम कहाँ से आए हो? हाँ, कौन भर्ती किया तुमको? सही बोलता है वो बिल्ले। यहाँ पे धूल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आया था और इसके साथ छेड़छाड़ की है, और ये मेन स्विच है जिससे हमारे थाना में जो है लाइट जाती है। अब तो केस सॉल्व। मैडम का केस सॉल्व? हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम। ये कुछ समझ में आ रहा है आपके? एक मिनट, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। मैडम देखिए, ये किसी दूध के बर्तन का ढक्कन है, हाँ। है ना, यहाँ पर दूध का छींटा लगा हुआ, यहाँ पर भी दूध गिरा हुआ, देखिए सूख गया है ना। मैडम अगर ये पूरा बात को मिलाया जाए तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? तुमने कहा था कि मैडम सर रात को दूध लेने आई थी, है ना, ये दूध का ढक्कन है। हाँ। तो इसका मतलब मैडम सर ने ही काम किया है। सटीक पकड़ी है मैडम। मतलब हम सही थे, सारा किया धरा मैडम सर का है। माँ आप बैठी है कि खड़ी है? अरे बैठे हैं हम। माँ चश्मे का आइडिया कैसा है? बहुत बढ़िया। थैंक यू। पुष्पा जी। जी मैडम सर। ये आप लोगों ने चश्मा क्यों पहना हुआ है? वो हमारे गोरे चेहरे पे काला चश्मा जचता है ना, इसलिए। बिना धूप के छांव में थाने के अंदर? नहीं, वो क्या हुआ ना, आज
सूर्य नमस्कार कर रहे थे ना, तो जैसे हमने सूरज की तरफ देखा उसकी रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया गई, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने काला चश्मा पहन लिया। आपसे किसने कहा कि सूर्य नमस्कार कहने? मैडम सर, वाह क्या बात है, आपने हमें भैंस चोर के पीछे छोड़ दिया और आप यहाँ आराम से केस सॉल्व कर रही हैं। मामला सुलट गया है, हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन? हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन? करिश्मा सिंह, उम्मीद है आप इतना संगीन इल्जाम हम पर लगा तो रही हैं, तो शायद सबूत के साथ लगा रही होंगी। सबूत है ये दूध के बर्तन का ढक्कन जो हमें स्विच बोर्ड के नीचे मिला। बात सिर्फ इस पे दूध के अवशेष की नहीं, बल्कि हमें स्विच बोर्ड के नीचे सूखे दूध के निशान भी मिले। सब स्विच बोर्ड पे धूल जमी हुई थी, सिर्फ एक मेन स्विच को छोड़ के जिसका बिजली महिला पुलिस थाना से जुड़ा है। तो ये सब तो सिद्ध करते हैं ना कि आपने ही स्विच निकाला है और फिर लाइट चली गई, आपने भैंस को लिया और भैंस चुरा के आप चली गई, ताकि हमें ये सबक मिल सके कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी आपके सामने इस केस को छोटा बोल के, है ना मैडम सर? कमाल है करिश्मा सिंह, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी जल्दी चोर तक पहुंच गए। जो आप हैं? हम नहीं हैं करिश्मा सिंह। अगर आप हम पर शक करना छोड़कर अगर इस ढक्कन को थोड़ा सा भी ध्यान से देखती तो आपको समझ में आता कि इस ढक्कन का जो मर्तबान है वो दरअसल एक प्रोफेशनल दूध वाले का है, हमारा कैसे हो सकता है? और अगर आपने तफ्तीश अपनी ध्यान से की होती तो आपको दिखता है यहाँ पीछे साफ साफ लिखा हुआ है बब्बन तबेले वाला लालगंज। हो ना हो असली भैंस चोर हमें यहीं मिलेगा। मैडम सर, साफ लिखा हुआ है। सॉरी मैडम सर, हमने अच्छे से तफ्तीश नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके करिश्मा सिंह, फिलहाल इस भैंस चोर को ढूंढिए और जो भी होता है जैसे भी होता है उस भैंस को वापस लेकर आइए, वरना आप जानती हैं मंत्री जी क्या करेंगे। जी मैडम सर, चलो हमारे साथ। अभी भी मैडम, सुनिए हमारे पास। रंगला जी आइए अंदर, आप दोनों भी अंदर आइए। जी मैडम सर। माँ बिल्लू, हाँ आ जाओ। हाँ आया। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना प्लीज। बिल्लू तुम खिड़की के पास क्या कर रहे हो? मैडम सर पीछे मैं आगे चला गया। आप खिड़की में आ गए? वो रौनक जी आए हैं ना, तो उनके लिए चाय बोलता हूँ। बदनाम इकबाल, चाय लाओ। वापस आओ बिल्लू। हाँ वापस। बिल्लू यहाँ हमारी बगल में आके खड़े हो जाना। हाँ माँ, आया आया। रौनक जी आप बैठे हैं, बैठिए बैठिए। माँ मैं इनके पीछे ही खड़े हो जाता हूँ, नो प्रॉब्लम, आई एम कंफर्टेबल। हाँ हाँ मैडम सर की केबिन है, कहीं भी खड़े रह सकते हैं, है ना मैडम सर? जी। चाय आ गई। चाय? अरे वाह बहुत बढ़िया, चाय लेकर आए, अभी दे दो सबको। अबे इकबाल कुछ दिख नहीं रहा बे, खुदा कसम चाय कहाँ और कैसे रखे? तो उतार दो चश्मा। हाँ इसीलिए उतार दो। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, वो रौनक लाल दिख जाएगा समझो। हाँ तू ही मेरा भाई है। रौनक जी आप जरा दो मिनट के लिए हमारे साथ बाहर आएंगे, हमें आपसे कुछ काम है। जी। ओह गए? हाँ हाँ दोनों चले गए हैं। ओके, अभी आंखों की रौनक आएगी। रौनक लाल तू इधर ही। शर्म आनी चाहिए आप सबको, जब हमारे ही थाने के लोग लकी अनलकी इस तरह की घटिया बातों में यकीन करेंगे तो हम बाहर वालों को क्या कहेंगे? अंधविश्वास कितनी बेकार और बेफिजूल की चीज है, ये मैसेज हम सोसाइटी में कैसे पहुंचा सकते हैं जब हमारे अपने ही लोग इस तरह की बकवास में यकीन कर रहे हैं? अब इन पर क्यों नाराज हो रही है मैडम सर? दरअसल गलती इनकी नहीं है, गलती तो उस ऊपर वाले की है जिन्होंने मुझे इतना बदनसीब बनाया कि हर किसी के लिए मैं मुसीबत बन गया हूं। रौनक जी
ऊपर वाले ने सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाए, बदनसीबी खुश नसीबी ये उन लालची पाखंडी लोगों ने बनाए हैं जो लोगों के इसी डर का फायदा उठाते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए हम जानते हैं अब तक आपके साथ क्या हुआ है, उसके लिए हमें बहुत बुरा भी लग रहा है और इसीलिए शायद आपको हमारी इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन हम आपको यकीन दिलवा कर रहेंगे कि लकी अनलकी कुछ नहीं होता। सुनिए आप सब, अब जब आपने रौनक जी का चेहरा देख ही लिया है तो अब आप सबको एक काम करना है, इनका चेहरा देखने के बाद आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हादसे होते हैं, क्या क्या बुरी चीजें होती हैं, क्या क्या छोटा मोटा जो कुछ भी होता है उस सब की आप लिस्ट बनाएंगे, उसे नोट डाउन करेंगे और हमें देंगे। ठीक ठीक। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह और चीता यहाँ नहीं है, उन्हें बात पहुंचा दीजिएगा कि ये हमारा आदेश है। जी मैडम सर। किसी के मन में कोई सवाल पूछिए। अगर शाम तक मंत्री जी की भैंस नहीं मिली तो